तो गाइस ट्राइबल चीफ रोमन रिंग 4 सालों बाद पिन हो गए आज फाइनली मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्या हुआ आज के मनी इन द बैंक पेपर व्यू में। और गाइस जॉन सीना ने रिटर्न भी किया है तो मैच आखिरी तक देखना ही सही। तो गाइस पहला मैच था भाई 7-man लैडर मैच और गाइस इस मैच में काफी अच्छे अच्छे स्पॉट देखने को मिले, मतलब रिकोशेट और लोगन पॉल के बीच में काफी अच्छा स्पॉट देखने को मिला और हमें हमारे बुच ने काफी अच्छे लैडर के ऊपर से डाइव मारा, मतलब कि काफी अच्छा मैच था। पर गाइस एंड स्पॉट पे चलते हैं तो गाइस हमारे एले नाइट और डेमियन प्रीस्ट थे लैडर के ऊपर, उसके ऊपर से हमारे डेमियन प्रीस्ट ने एले नाइट को एक स्प्रिंग बोल्ड लगा दिया, उसके बाद हमारे डेमियन प्रीस्ट ने ब्रीफकेस उतार लिया और वो बन गए मिस्टर मनी इन द बैंक। गाइस अगले मैच की तरफ चलते हैं तो गाइस ये था गुंथर वर्सेस मैट रिडल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो था पर गाइस इस मैच की कोई हाइप नहीं थी। और गाइस एंड स्पॉट पे जाकर हमारे गुंथर ने एक सबमिशन लॉक लगाया जिसमें हमारे मैट रिडल ने बिल्कुल क्लियर टैप आउट कर दिया और गाइस हमारे गुंथर ने अपना 400 दिन का टाइटल रेन अभी भी बनाए रखा है और गाइस पता नहीं उन्हें कौन डिथ्रोन करेगा। पर गाइस इस मैच के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला क्योंकि हमारे ड्रू मैकएंटायर ने रिटर्न करा और उन्होंने क्लेम और किक मारा हमारे गुंथर को और स्टैंड होल्ड किया। तो गाइस चलते हैं तीसरे मैच की तरफ तो गाइस ये था कोडी रोड्स वर्सेस हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो को और इसमें गाइस रिया रिप्ली का स्पेशल अपीयरेंस तो था ही सारी और उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे कोडी रोड्स को थोड़ा बहुत पीट भी लिया था। पर गाइस इसके बाद हमारे कोडी रोड्स ने रिंक में ले जाकर थोड़ा बहुत पीटा उन्हें और उसके कोडी कटर देकर मैच में अपनी विक्ट्री हासिल की। कोडी रोड्स बिल्कुल क्लियर जीत गए यहाँ पर और वो ब्रोक लेसनर के लिए भी समर स्लैम में बिल्कुल तैयार हैं, पर हमारा ब्रोक लेसनर आज बिल्कुल देखने को नहीं मिले। गाइस इसके बाद हमारे जॉन सीना ने रिटर्न किया और गाइस उन्होंने काफी अच्छा कन्फ्रंटेशन किया, मतलब पूरी ऑडियंस के साथ काफी अच्छी बात करी और उन्होंने बताया कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि मैं खुद आया हूँ लंदन और मतलब बिल्कुल सरप्राइज वाला उनका एंट्रेंस हुआ था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे जॉन सीना आने वाले हैं इस बार के मनी इन द बैंक में और गाइस उनका थोड़ा बहुत सेगमेंट चला और इस सेगमेंट में उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया हमारी लंदन में कैसी लगी, मतलब यही उल्टी सीधी बातें हुई और कोई बहुत ज्यादा अच्छा सेगमेंट तो कुछ ऐसा नहीं था अलग, पर हमारे जॉन सीना रिटर्न करे ये काफी बड़ी बात है। गाइस अगले मैच की तरफ चले तो गाइस ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि ये था सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच में, ये काफी ज्यादा दोनों अच्छे पार्टिसिपेंट थे तो इन्होंने काफी अच्छा मैच रेसल किया और गाइस इस मैच में हमारे डेमियन प्रीस्ट ने भी बिल्कुल इंटरप्ट किया था और उन्होंने इंटरप्ट किसे किया हमारे फिन बैलर को, क्योंकि गाइस वो जब डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पे बैठे हुए थे अनाउंसर टेबल के बगल में वहां पर हमारे फिन बैलर एक अपना फिनिशर लगाने गए सेथ रॉलिंस को, पर डेमियन प्रीस्ट एकदम से उठ के खड़े हो गए, इसके बाद हमारे फिन बैलर डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो अपना फिनिशर नहीं लगा पाया, इसके बाद हमारे कर्ब स्टोन लगा हमारे फिन बैलर को और उसके बाद बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे सेथ रॉलिंस ने अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल रिटेन करा। और हमारे जजमेंट डे के दोनों डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में थोड़ा हमें तूतम मूवी देखने को मिली, पर ये अब देखा जाएगा अगली रो में। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल हमारे ब्लड लाइन के सिविल वॉर के मैच की तरफ, जो गाइस काफी ज्यादा अच्छा बिल्ड हुआ था और गाइस काफी अच्छा मैच था, मतलब आप मान के चलिए इनके एंट्रेंस से लेकर इनका एंड तक का जो स्पॉट था, मतलब गाइस आप मान सकते हो चारों ने अपना फुल ऑन दिया है और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग भाई बात ही क्या करें, उनका एक्टिंग लेवल और स्किल लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका है अभी कि आप मान के चलो पूरे मैच में उनके इमोशन झलक रहे थे, मतलब आप मान के चलो हमारे सोलो सिको ने स्टार्टिंग उन्हें टैग नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने सोलो सिको को चिल्ला के टैग लिया, उसके बाद हमारे सोलो सिको जिस तरीके से उनके तरफ देखा देख के लग रहा गाइस इनके बीच में भी खटपट चालू है। और उसके बाद हमारे भाई उसोस ब्रदर तो अलग ही अपनी बिल्कुल स्टोरी लाइन ही अलग कर लिए, तो गाइस उसोस ब्रदर ने अपने पूरा जोर लगा दिया पर हमारे रोमन रिंग उनको पिन नहीं हो पा रहे थे और सोलो सिको ने गाइस एक स्पॉट ऐसा भी आया कि हमारे सोलो सिको ने अपना समोन स्पाइक और रोमन रिंग ने स्पेयर दोनों ने एक साथ लगाया, उसके गाइस उसके बाद हमारे जिमी उसो को सोलो सिको अनाउंसर टेबल के ऊपर अपना तोड़ने गए पर गाइस उन्होंने अपने ऊपर ही तोड़वा लिया, मतलब सोलो सिको के ऊपर खुद ने अपने ऊपर अनाउंसर टेबल तोड़वा लिया और हमारे जिमी उसो वहां से बच के निकल गए। गाइस इसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग ने एक स्पेयर दिया हमारे जे उसो को, पर गाइस यहाँ देखने को क्या मिलता है हमारे जे उसो ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। हाँ गाइस एक स्पेयर के बाद भी जे उसो ने किक आउट कर दिया और उसके बाद भाई ये स्पेयर के बाद जो किक आउट होना है उसमें गलती से हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग को एक लो ब्लो लग गई जे उसो का। गाइस उसके बाद इन्होंने दोनों भाइयों ने सुपर किक मारी रोमन रिंग को और उसके बाद हमारे एक उसो स्प्लैश मारा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग को और गाइस हमें देखने को मिला 4 साल बाद रोमन रिंग का पिन, मतलब 1-2-3 बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे रोमन रिंग के बीचों बीच हार गए हैं और गाइस ये काफी बड़ी हार है उनको लेकर। और गाइस यहाँ से बिल्कुल क्लियर लाइन देखने को मिल रही है कि हमारे समर स्लैम में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग बस जे उसो मैच फिक्स होते दिख सकता है, क्योंकि गाइस जो उसको वो बंदे बने हैं जिन्होंने 4 साल बाद आखिरकार ट्राइबल चीफ रोमन रिंग को पिन किया, मतलब उनके अलावा कोई और पिन करता तो आपको लगता है ऐसा देख के कि कोई पिन नहीं कर सकता, पर गाइस हमारे जे उसो ने फाइनली ये कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तो गाइस आज की आपको ये मनी इन द बैंक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।